नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद गढ़सिला विधायक रामदास सोरेन को हेमंत कैबिनेट में जगह दी गई। मंत्री बनने के बाद पहली बार शनिवार को रामदास सोरेन जमशेदपुर पहुंचे। इस दौरान मंत्री रामदास सोरेन का समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जमशेदपुर पहुँचते ही सबसे पहले वे शेख निर्मल महतो की समाधि स्थल पर पहुंचे और मत्था टेका। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री रामदास सोरेन ने पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि कम समय के लिए उन्हें जिम्मेदारी मिली है, मगर पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। उन्होंने कहा कि मंत्री बनाए जाने से उनके समर्थकों में उत्साह है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमीन से जुड़ी पार्टी है, हाँ उनकी कमी जरूर खनेगी क्योंकि हम लोगों ने मिलकर अलग झारखंड राज्य के लिए संघर्ष किया था। वहीं घुसपैठ के मुद्दे पर मंत्री रामदास सोरेन ने भाजपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को केवल संथाल परगना में ही घुसपैठ नजर आ रहा है। भाजपा में पहले से ही 3-3 मुख्यमंत्री, अब चंपाई सोरेन भी शामिल हो गए हैं। उन्हें ये बताना चाहिए कि राज्य में कहाँ घुसपैठ नहीं हुआ है, जमशेदपुर में 86 बस्ती कहाँ से बसे हैं, धनबाद बोकारो में घुसपैठ हुआ है या नहीं, उन्हें बताना चाहिए। चंपाई सोरेन को कुल्हान टाइगर कहे जाने पर मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता टाइगर है, चंपाई सोरेन को टाइगर हमने बनाया। बता दें कि रामदास सोरेन संथाल समुदाय से आते हैं और जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष भी हैं। उनके नेतृत्व में जमशेदपुर के 4 विधानसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। उन्हें मंत्री बनाने के पीछे चंपाई सोरेन की कमी को पूरा करना है। वैसे देखना यह दिलचस्प होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये दाव कितना सफल होता है। इस मौके पर ईचागढ़ विधायक सविता महतो, उनकी पुत्री एवं पार्टी के अन्य जामुमो नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री पद मिला, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, विधायक के बाद अब मंत्री बन गए, क्योंकि अब बहुत जल्द चुनाव भी होने वाला है, समय भी कम है, कैसे निभाइएगा, कितनी बड़ी चुनौती है इसके लिए। सबसे पहले मैं किसम गुरु शिबू सोरेन और हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष राज के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर आभार प्रकट करता हूं कि आज मुझे एक के झारखंड आंदोलन में संलिप्त रहा और जिस कारण आज मुझे जो जिम्मेवारी दिया गया है पार्टी की ओर से जमा करें, इसे मैं पूर्ण रूप से निष्ठा पूर्ण रूप से, मैं कम समय तो जरूर है मिला है लेकिन उस कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करके मैं दिखाऊंगा। जनता का उत्साह इसको हम नकार नहीं सकते। कार्यकर्ता जनता का सोच कि आज जो भी हमारा संगठन ने निर्णय लिया या सही लिया, सही आज आपको दिखने के लिए मिल रहा है। निर्मलदा हमारा पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष है, झारखंड अलग राज का नेतृत्व करता रहे और जिसका नेतृत्व है झारखंड अलग राज को एक मंजिल पहुंचा, सर निर्मल महतो का नेतृत्व के कारण है। इसलिए आज हम लोग झारखंड आंदोलन में जितने भी लोग, जितने भी कार्यकर्ता शहीद हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको कभी, उसका परिवार को कभी नहीं भूल सकता। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।